भाई दिलीप भाई एक और स्टोरी है आपके पास बताओ उसके बारे में भाई तो ये जो भाई स्टोरी है ये हमारे गांव में एक बूढ़ी दादी हैं वो सुनाती हैं ये उनके साथ हुई हुआ वो किस्सा है उनकी जवानी का अच्छा। मतलब जवानी के बचपन बचपन जवानी तबीयत किस्सा है तो बताती हैं वो क्योंकि हमारे गाँव में ना भाई हमारे गाँव में एक खेत में हमारे खेत है वो हमारे चाचा दाऊा दाऊ का तो वहाँ यह है कि तीन पेड़ एक साथ हैं एक बरगद एक पीपल है और एक जामुन है तो आप सोच सकते हो कि वहाँ कितना विशाल का बन जाता है एकदम अलग से दूर से दिख दिखने में लोगों को दूर से दिखते डर जाता है कि इंसान कह रही है ये क्या है इतना विशाल का तीनों पेड़ ज्वाइंट हो रखे हैं और बना हुआ है तो वहाँ बचपन से ही जैसे उनके टाइम की बात है कि जो जामुन का पेड़ है वह जामुन आते हैं बढ़िया आज भी हम जाते हैं तो वहाँ जामुन तोड़ने जाते हैं ज़रूर तो वहाँ जा, बच्चे जामुन तोड़ने और जामुन खाने जाते थे पर भाई वहाँ पर उसके साइड में पीपल भी है और बरगद भी है दोनों चीज़ें थी वहाँ एक तो क्या हुआ था कि दोपहर का दोपहर की बात थी भाई ये जो हमारे दादी के टाइम की बात है बचपन में ये ये लोग चल दिए वहाँ से चार पांच लोग कि भाई जामुन खाएंगे जाके ये सीज़न था कोई जामुन वाला आने वाला तो वो वहाँ जामुन तोड़ के खाएंगे चलो खेत पे चल दिए भाई चल दिए दोपहर के दो तीन बज रहे होंगे चल दिए वहाँ जाके पेड़ पर चढ़ के दो तीन बच्चे पेड़ पर चढ़ के हिलाने लगे कि नीचे जामुन टूटेंगे भाई तुम उठा लेना वो थोड़ी छोटी थी भाई लड़कियाँ थोड़ी छड़ेंगे लड़के बड़े चढ़े हुए थे पीछे तो वो वो डाली लाते थे और नीचे जब जामुन गिर पड़ते थे वो उठा उठा के फिर चुन के जो अच्छे अच्छे थे वो ले लेते थे तो भाई वो ऐसे जामुन चुनने लगे वहाँ से उठा के तो थोड़ी दूर चले गए जुनते हुए कि और भी कुछ पढ़े होंगे पढ़े होंगे इस तरीके से तो वहाँ मठिया बनी हुई है पहले से ही एक मठिया भाई जो बताया अभी शेष भाई ने बताया ना स्थान होता है तो वहाँ एक मठिया बनी हुई है किसी की मठिया के साइड में एक जामुन पड़ा था उन्होंने कहा यार ये मोटा जामुन लग रहा है ऐसे उठा लेता था ऐसे उठाने गई तो मिट्टी में से ना एक पोटली सी नहीं है पिन्नी सी थी उसमें देखा यार ये क्या उसमें देखा एक कंगन था उन्होंने कहा यार कंगन उन्होंने देखा तो सुंदर लग रहा है कंगन देखने में और लग भी रहा है कि ये हो सकता है सोने का हो अब वो तो बच्ची थी उन्होंने कहा यार कंगन मिल गया से ले चलती हूँ घर उन्हें उठा लिया और कंगन लेके आ गई भाई घर दो पहन लिए हाथ में अब उन्हें आके मम्मी को बताया कि मम्मी हम जामुन तोड़ने गए थे वहां पर ऐसे ऐसे हो ये देखो क्या मिला मेरे को कंगन दिखाया मम्मी ने दिखाया कि यार ये कंगन तो सोने का लग रहा है कि दिखा उतरवाया सुनार से चेक करवाया वो प्योर सोने का कंगन अब वो वो खुश के यार सोने का कंगन पा गया पर भाई ऐसी चीज़ें उठा के ले जो चीज़ें लेके आते हैं हमें इस चीज़ की इसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि वो चीज़ कहाँ से आई है किसकी है और ऐसे कभी ला के नहीं आनी चाहिए बल्कि सोना अगर कभी पाया जाता है तो उसे कभी रखना नहीं चाहिए अपने बार लगे कहते हैं हाँ दान कर देना चाहिए या फिर उसे कहीं भी चढ़ा देना चाहिए उसने वो कंगन पहन लिया भाई उसी रात से उसके साथ चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो गई मतलब पहले उसे उल्टी आई उल्टी में खून आना स्टार्ट हुआ हल्का हल्का अच्छा तो उन्होंने कहा कि चलो तबियत खराब हो गई होगी कोई बात नहीं दवाई ववाई दी बुखार रुखा चढ़ गया और उल्टी में खून खून आना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे डॉक्टर वॉक्टर से दिखाया वेद वगैरह बुलाया कि भाई क्या है क्या नहीं है दवाई वाई जो जो डॉक्टर पर बनी उसने दे दी पर उसकी तबियत ठीक ना हो बुखार एक सौ तीन एक सौ चार मतलब तप शरीर पूरा, पूरा पूरा क्या हुआ अगले दो तीन दिन बुखार में बीत गया भाई दवाई चल रही है बुखार आ रहा है उतर रहा है फिर चढ़ जाता है उतर रहा है फिर जाता है अब वो पड़ी हुई है बेचारी तीसरे चौथे दिन जब उन्होंने अपने बाल बाल काटे भाई बाल टूटना स्टार्ट हो गए उसके गुच्छे गुच्छे ऐसे जैसे उन्हें यूँ बाल काटे बाल आ गए गुच्छे में यहाँ से हल्के हल्के बाल निकलना स्टार्ट हो गए उस लड़की के वह गंजे होना स्टार्ट हो गई वो अब क्या हुआ कि उसे अब उसे रात में सॉरी तो उसे साया दिखा कोई वो टॉयलेट के लिए उठी तो उसे दिखा कि कोई मेरे को घूर रहा है खड़े होके घर के कोने में वो चीख पड़ी कि वहाँ पर एक साया था उसकी लाल आंखें थी वो मेरे को घूर रही थी घर वालों को बताया उन्होंने कहा अरे बुखार वखार में कुछ दिन तुझे भ्रम हो गया होगा इस तरीके से कुछ नहीं सुला दिया पर उसे अब लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है मेरा कोई पैर खींच रहा है सपने में जब अगले दिन उठती थी भाई दो दिन दिन उसके बॉडी पे मार्क नीले नीले गले के पास ये या किसी ने चांटे मारे हैं ऐसे इस तरीके से अब घर वालों को उसकी जो घर में दादी वादी थे बूढ़े बूढ़े थे उन्होंने लगा कि भाई ये कुछ गलत है ये बीमारी नहीं है इसके पीछे कुछ है कुछ लग गया है तो भूत प्रेत जिन वगैरह कुछ ना कुछ का साया है और पता करो बात तो भाई बाबा वगैरह को बुलाया गया बाबा वगैरह को बुलाया तो उन्होंने पूछा कि भाई इसके साथ हुआ क्या पहले मुझे ये बताओ पूरी कहानी बताओ कि क्या क्या है क्या, है, क्या नहीं है तो उन्होंने बताया कि बाबा ऐसा ऐसा है कि वहाँ से ये उस दिन वहाँ गई थी पेड़ वेड़ के जामुन हामुन तोड़ के लाई कह रही थी जामुन आमुन तोड़ने गई थी वहाँ इसे कंगन वंगन मिल गया वहाँ से उठा लाई ये

बातें होती हैं पर अभी वो उनकी उधर उम्र वही है जैसे उनकी थी उधर स्तर में तो अब ये रहा कि उनको बताया गया कि भाई ये ये हुआ है तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ की कहानी तुम्हें पता है उस पेड़ पर पे क्या हुआ था ये जो कंगन है तुम्हें पता है किसका है? ये कह रही है ये डैन का कंगन है चुड़ैल जिसे कहते हैं चुड़ैल या डैन किसी का उसका साया है इस पे कंगन पे अच्छा वो कहते हैं कि क्यों ऐसा क्या हो गया तो भाई हुआ ये था कि एक जो एक शादी हुई थी एक औरत की वो बेचारे काफ़ी गरीब परिवार से थी तो तय हुआ था शादी में कि दहेज में भाई दो सोने के कंगन लड़की को दिए जाएंगे ताकि अपने पास रखे और भाई परिवार वाले थोड़े गरीब थे वो दो एक जोड़ी कंगन बनाने के बजाय एक कंगन बना पाए मतलब एक कंगन को देके भेज दिया अभी एक कंगन देकर भेज दिया उसके घर में काफी कलेस हो गई कि यार कंगन तो जोड़ी के होते हैं एक का है। क्या मतलब है और या तो दूसरे बनवाओ या तो एक भी मत बनवाती उसके साथ कलेश होना स्टार्ट हो गया दहेज के चक्कर में उसके साथ डेली कलेष होता उसका पति मारता पीटता उसे सास जो उसकी सास है उस वो है ताने देती बल्कि सास ने कुछ ज्यादा उसके साथ ये किया कि कल मुही ये है वो है और उसे रोज एक तरीके से ना टॉर्चर करने लगे

उस कंगन और उसका उस पेड़ का ये ये बन गया था साया इस पे एक, एक तरीके से से श्राप बन गया था कि जो अब और ज्यादातर वो औरतों पर टॉर्चर करती थी क्योंकि कहते हैं कि उसकी जो सासू सासुमा ने उसने ज्यादा उसे टॉर्चर किया था मतलब बाल बाल खींच के मारा गया था बाल उसके उसके बाल भी टूट रखे थे उसके पति ने इतनी बुरी तरह मारा था इसलिए उस और उस लड़की के बाल टूटने स्टार्ट हो गए थे गले पे उसके बहुत सारे मार्ग थे मारने के शरीर पे उसके पीटने के इतने सारे मार्ग थे और उसे फांसी से लटका दिया था ताकि उसे लगे सुसाइड कर लिया मार के तब से एक कंगन

तो बाबा ने बताया कि देखो एक ही चीज़ हो सकती है अगर हम कर पाएं इस चीज़ को अगर हो जाए तो कि वो जिस चीज़ जिस चीज़ की वजह से मरी है वो चीज़ उसे लौटा दी जाए एक कंगन जो हमने उसका कंगन है एक कंगन और बनवाया जाए ताकि वो जोड़ी कंगन बन जाए एक जोड़ा बन जाए और रात को यही लड़की जाके वापस वहाँ पे उस पेड़ के नीचे जाके वहीं जहाँ से ये उठाया था कंगन वहाँ रख कर माफ़ी मांगे हाथ जोड़ के वापस आ जाए बिना पीछे देखे अगर ऐसा हो सकता है तो शायद जान बच सकती है अगर वो इसे माफ़ कर दे तो बाकी तो हम और कुछ कर नहीं सकते यही आजमा सकते हैं तो भाई एक कंगन और बनवाया गया उसी नाप उसी नाप का उसी साइज़ का और दो कंगन तैयार किए गए जो उसके हाथ में था उतार के पोटली में रख के और रात को बारह एक बजे वो लड़की गई वहाँ पर जाकर उसे बोला गया ऐसे ऐसे करके वहाँ पे हाथ जोड़ के माफी मांगा कि हमारी वजह से जो हमारी वजह से आपको परेशानी हुई उसकी वजह से हम माफ़ी मांगते हैं और ये आपको दो जोड़ी कंगन हम भेंट कर रहे हैं मेरी तरफ से उसी जगह वापस रख के और पिना पीछे देखे वापस आ गई और तब से तब से फिर वो शांत हो गई थी उसके ऊपर से उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आई वही है जो जो बूढ़ी हो चुकी है उन्होंने जो कहानी सुनाई है मेरे को ये वही वही और वहां हमारी दादी लगती है अब तरीके वो सगी मतलब हमारे जो गांव में होती है उन्हीं उन्हीं के के साथ के साथ हुआ वो बता अपनी कहानी सुनाती है कि बचपन में ये से हुआ बाप रे चलो ये अच्छा हुआ ये तो सही काम कर गया तो कई था वैसे हाँ भाई जो बाबा थे वो काफी नामी थे उन्होंने नाम कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या पता कुछ हो जाए वरना तो फिर है ये बच्चे चीज़ बच्चे। है ही चीज़ तो भाई श्राप जो है एकदम असली होते हैं इस तरीके से श्राप के श्राप से रिलेटेड एक हल्का सा हो रहा है भाई वो बता देता वो अभी कई है मतलब एकदम वो एफ दर्ज है वो आज तक वालों ने कवर भी किया था थोड़ा पुराना है पर यह है कि श्राप ये होता है कि एक कानपुर का परिवार है भाई तो कानपुर के परिवार में एक दादाजी थे तो भाई उनके घर पे आ गया नागा नागा बाबा एक दिन घूमते फिरते कि भाई खाना खिला दक्षिणा वगैरह की बैठ के उनसे बात करने लगे कि तेरे परिवार में ये है वो है काफी मतलब लग रहे थे कि भाई काफी बुद्धिमान बाबा हैं पर भाई वो ऐसे कुछ लोग नहीं मानते उन्होंने कहा कि मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है जहा यहां से मैं बाबा बाबा में नहीं मानता इस तरीके से जा उसे भगा दिया वो भागा नहीं भाई बाबा उसे घर के बाहर खड़ा रहा रात भर एस टू एज की मैं जब तक जाऊंगा नहीं जब तक तू मेरी तूने मेरी बहुत बेजती करी अब तक तू ये नहीं होगा ना कि मेरा हाथ नहीं जोड़ लेगा तू तब तक जाऊंगा नहीं से तो उसे नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है में पत्थर उठाया ना तेरे परिवार का हो जाएगा अच्छा उन्होंने वो बात कही और तब से भाई उसकी तीन पीढ़ी बदल चुकी है उस, उस परिवार की तीनों पीढ़ियों ने ये शिकायत करी है कि कहीं ना कहीं से आके उनके परिवार के जो सदस्य है ना छोटे या बड़े कहीं ना कहीं से आके पत्थर आके लगते हैं भाई कहीं जैसे रास्ते में जा रहे हैं किसी ने पत्थर मारा सर फट गया कहां से आ रहा है नहीं पता कहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना कहां से पता चलता कि सोर्स कहां से कहां से कहीं किसी का पैर टूट गया किसी का सर फट गया और भाई लगती है, है वाली बात भाई, तो भाई मजाक नहीं, 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 नहीं कोई दिक्कत नहीं हंसी हमें उनको परिवार को भी लगा कि शायद कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है तो जेन्युइन पूछ रहा है की कहा से आत्थर तुम कहीं से भी आ रहा है तो पता नहीं चल रहा कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ ये ऐसी चीजें कर रहा है भाई तीन घर बदल दिया उन्होंने और तीन गांव बदल दिए और पता नहीं चल रहा पत्थर कहाँ सा रहा। एफ आई आर तक दर्ज करा दी कि कोई हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है किसी का पैर टूट रहा है किसी का सर फट रहा है किसी का कुछ हो रहा है और पत्थर आते हैं को उनको उनके ऊपर शराब लगा हुआ है कि पत्थर से ही मरे हो तुम सारे जो बाबा ने शराब दिया था तो ऐसा भी हुआ है कि उनकी फैल में कोई और मरा हो सिर्फ पत्थर पत्थर नहीं मरा कोई नहीं है बस आके लगा के हैं भाई सर फट रहा है किसी का वो हो रहा है मतलब परेशान है एकदम परेशानी है ये वाला है ये और ये तो एकदम क्राइम तक रिपोर्ट ने आज तक ने रिपोर्ट भी किया था एफ दर्ज वगैरह सब है पुलिस एक साल से छानबीन भी कर रही है कि किसी आदमी का काम तो नहीं है इसके पीछे पर भाई कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आते हैं पत्थर कहाँ जाते हैं भाई यार ये भी तगड़ी स्कीम है भाई सर आपका ही ऐसी पिकनिक बनाने गए और कहीं से भी पत्थर आ किसी का भी अपमान मत करो चाहे स्पिरिट हो चाहे कोई बाबा हो चाहे कोई भी हो चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका दुश्मन हो अपमान मत करो अपने काम से काम रखो मानो चाहे मत मानो मानते हो तो हाथ जोड़ लो नहीं मानो तब भी हाथ जोड़ हाँ, काम दो का हाँ। अपने काम से काम रखो सीधे चलो ये नहीं उंगली कर दी जबरदस्त और चीज वगैरह भी मत उठाओ कहीं से कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है तुम्हारे लिए जैसे मिट्टी का सोने कंगन मिल गया और सोना खोया और पाया दोनों सोना कभी नहीं रखना चाहिए अपने दान कर देना चाहिए और वो चलो वो तो प्रोसेस भी था मतलब किसी और का था वो मतलब वैसे आत्मा आत्मा थी इसीलिए कहते हैं घर वाले कुछ रास्ते में मिले पड़ा दिखे नीला किसी बंदे की उतरी हुई चीज हमें पता नहीं ना उसने किसी जन से उतारी उतारियो उस पर वो उतरी है तो भाई होती है सारी चीजें कोई अगर ऐसे बोले कि मैं नहीं मानता लेकिन जिस पे, मत मानो लेकिन जिस मत होता है, है उसको ही पता होता है कि भाई है ये चीज मत मानो लेकिन जरूरी थोड़ी वहाँ जाके उस पे लात मार दो किसी चीज को लात मार दी किसी मत करो भाई सीधा चले जो लोग कर देते हैं वो फिर झेलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस चलो भाई इसी के साथ खत्म करते हैं पॉडकास्ट को पॉडकास्ट को दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और दोनों भाइयों का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है जाके भाइयों को फॉलो कर लें और हमारी मर्ज आप ले सकते हैं रियलेट स्टोर डॉट कॉम से और भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन है और अगर बाई चांस आपका मन है कि आप अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करना चाहते तो एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में जिसमें हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्स है ज़्यादा महंगा नहीं है बट उसमें हमने सारे तरीके बताएँ कि कैसे आप अपना खुद का एक पॉडकास्ट शो शुरू कर सकते हो वो भी कम से कम बजट